Hello, Comrade family. So here I am, Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बी कॉम सेमेस्टर सिक्स का अकाउंट, जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर सिक्स में, उसका सिलेबस हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं. मैंने आपको डिटेल सिलेबस भी बताया है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, एंड लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिए हैं. आपको यहाँ पर सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. जो भी सिलेबस है आपका सेमेस्टर सिक्स का, वो सारा कंप्लीट होगा. सो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम वीडियोस देखनी है एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. यहाँ पर आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी. सो बेसिक वीडियो जो थी थ्योरी की, हमारी फर्स्ट वीडियो वो हमने कंप्लीट की थी. एंड देन हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है. सो इसका फर्स्ट पार्ट हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखी है देन थ्योरी वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. देन आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ मेथड्स पढ़े थे, चार मेथड्स होते हैं यहाँ पर: पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, लमसम मेथड एंड शेयर मेथड. सो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड जो था हमारा पेमेंट मेथड, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं. आपके सारे मेथड से यहाँ कंप्लीट होंगे एंड सारे मेथड से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो आज की वीडियो जो है उसमें हम पेमेंट मेथड से करेंगे कि पेमेंट मेथड में किस तरीके से हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या चीजें आपको गिवन है एंड क्या सॉल्यूशन आपको करना है. ये आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है. इक्विटी शेयर्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. सो यहां पर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, ये आपको लैक्स में दे रखा है. 10 लैक, 2 लैक, 3 लैक, इस तरीके से आपको गिवन है नंबर्स, ठीक है. एंड यहां पर क्या बोला है, एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. यहां पर क्या बोला है कि एक एक्स कंपनी है एंड एक वाई कंपनी है. सो एक्स ने क्या किया है, वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है. और ये बैलेंस शीट जो आपको गिवन है, ये गिवन है वाई लिमिटेड, क्योंकि वाई के पास ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी एंड उसको एक्स लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया. देन हमारी एडजस्टमेंट गिवन है 12% डिबेंचर, वाई लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय एक्स लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिबेंचर 100 ईच टू मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सेम अमाउंट का इंटरेस्ट लगना, ये डिबेंचर की आपको गिवन है. एंड देन प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट गिवन है कि 125 पे हुए हैं डिस्चार्ज 8% प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम पे हुए हैं 20%. देन आपको थर्ड जो गिवन है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की गिवन है. इसमें आपको बोला है कि इक्विटी शेयर्स जो हुए हैं वो हुए हैं नॉमिनल वैल्यू उनकी 10 रुपीज है, पेड अप 8 रुपीज है एंड वैल्यू हुए हैं 15 पर शेयर पर. देन द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफरी कंपनी शेल पे द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच अमाउंट, कितना पे किया है उसने, 1 लाख पे किया है. शो द कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अब देखो यहां पर हमें कोई भी लेजर अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, जर्नल एंट्री बनाने को नहीं बोली है. आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, परचेज कंसिडरेशन निकालना है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में परचेज कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है परचेज कंसिडरेशन. सो अब हम क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल करेंगे एंड देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. एंड यहां पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल देखना है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखना है, ठीक है. अब यहां पर आपको डिबेंचर्स का जो है एडजस्टमेंट गिवन है, सो इसको आपको नहीं देखनी है क्योंकि डिबेंचर्स इसमें नहीं आएंगे. अब ये डिबेंचर्स इसमें क्यों नहीं आने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग यहां पर आपके डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स के साथ साथ जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंस होंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंस होंगे एंड जो भी डिबेंचर्स होंगे वो आपके एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वो नहीं कंसिडर किए जाएंगे. और जब आप परचेज कंसिडरेशन निकालोगे देन उसमें हम डिबेंचर्स और लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं लगाएंगे. सो यहां पर हमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स देखने हैं.
सो डिबेंचर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर्स का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, एंड यहां पर हमें क्या निकालना है, परचेज कंसिडरेशन निकालना है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी है, सो परचेज कंसिडरेशन के लिए हम एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, ठीक, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, कि क्या अमाउंट निकल के आएगा परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या लगाना है, जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स गिवन है, ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन, जो इक्विटी शेयर है वो 10 लाख है आपके, ठीक है। सो 10 लाख है एंड 10 का एक शेयर है, सो इट मींस कि 10 लाख हमारे यहां पर अमाउंट गिवन है, एंड अगर 10 रुपीज का एक शेयर है देन कितने शेयर हो गए, 1 लाख शेयर हो गए, ठीक है। सो 1 लाख शेयर हो गए, एंड जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें ये बोला है वैल्यू हुए हैं इक्विटी शेयर 15 पर शेयर, ठीक है। सो हमें 15 पर शेयर के हिसाब से निकालना है, 1 लाख यहाँ पर हमारे शेयर्स आ गए, 15 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट आ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर का अमाउंट अभी हमने निकाला है 1 लाख हमारे शेयर आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाख हमारे शेयर हो गए, 1 लाख शेयर निकाल लिए, एंड इनटू 15 रुपीज वैल्यू बोला है, देन कितना आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 15 लाख का, ठीक है। सो इक्विटी शेयर आ गए हमारे 15 लाख। देन सेकेंड पॉइंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक, जिस तरीके से इक्विटी शेयर किए हैं उसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर का निकाल लेंगे, जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है 2 लाख के, ठीक है, एंड 100 ईच है, सो 2 लाख अमाउंट गिवन है एंड यहां पर 100 का एक शेयर है, सो शेयर का अमाउंट आ जाएगा हमारा 2000, ठीक है। सो शेयर्स का अमाउंट यहां पर हमारा आ जाएगा 2000, ठीक है, एंड जो प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट गिवन है उसमें बोला है कि प्रीमियम लगेगा 20% का, ठीक, प्रीमियम लगेगा 20% का, इट मींस कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे देन 2 लाख तो हमें अमाउंट गिवन है, ठीक है, उस पर 20% हम प्रीमियम लगा लेंगे। सो यहां पर आ जाएगा 2 लाख इंटू 20/100, ठीक है, 20% प्रीमियम निकाल लेंगे, सो इसका प्रीमियम आ जाएगा 40,000 का, ठीक, 40,000 ये प्रीमियम आ गया। अब 2 लाख के तो शेयर थे, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे एंड उस पर 40,000 जो है वो प्रीमियम हो जाएगा, देन ये अमाउंट आ जाएगा 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 आ गया। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं देन हमारा आएगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, टोटल जो होगा वो आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, देन हम दोनों का टोटल कर लेंगे कंसिडरेशन, सो टोटल हो जाएगा 15 लाख एंड 2,40,000, सो ये आ जाएगा 17,40,000। इट मीन्स कि जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था वो कितना आया, 17,40,000। यही हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला था कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना डिस्चार्ज होगा उसका कैलकुलेशन करना है। सो ये आ गया 17,40,000। एंड एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपको डिबेंचर्स का गिवन है, सो डिबेंचर्स नहीं लगाने हैं एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं लगाने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिबेंचर्स जब आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे सो उसमें उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। कैलकुलेट द अमाउंट परचेज कंसिडरेशन, इसमें भी आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है मिनी लिमिटेड टू मैक्सी लिमिटेड, ठीक है। समरी आपको दे रखी है बैलेंस शीट की मैक्सी लिमिटेड की, यहां पर आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, एंड एसेट साइड भी आपको सारी चीजें गिवन है। सो क्या क्या एडजस्टमेंट है वो पढ़ लीजिए। मिनी लिमिटेड डिसाइड टू टेक ओवर मैक्सी लिमिटेड, अब मिनी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है मैक्सी लिमिटेड को, इशूइंग 6 इक्विटी शेयर, 10 ईच, फुली पेड 6.50 कैश फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड इन मैक्सी लिमिटेड। अब इसमें आपको इक्विटी शेयर का देखना है एंड सेकेंड पॉइंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है कि 15% प्रीमियम पे इशू हुए हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर है। सो यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर का आपको गिवन है उसमें आपको प्रीमियम लगाना है, देन अमाउंट निकल के आएगा। एंड डिबेंचर की जो लास्ट एंट्री दे रखी है, जब आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है देन ये नहीं लगाना है, ठीक है,
अगर आपको पूरा क्वेश्चन लेजर अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी है, देन ये एडजस्टमेंट आप करोगे, ठीक है। सो यहां पर आपको इक्विटी शेयर देखने हैं एंड प्रेफरेंस शेयर देखने हैं एंड इससे परचेज कंसिडरेशन निकाल लेना है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।